बिहार में शराबबंदी के 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी अवैध रूप से शराब पीने और बेचने वाले सक्रिय हैं। शराबबंदी को लेकर विपक्ष हमेशा सवाल उठाते रहा है। अब सत्ता पक्ष के नेता भी शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में वैशाली में बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने शराबबंदी पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि लोगों की उम्मीद के मुताबिक पूर्ण शराबबंदी नहीं हो रही है। होता क्या है कि ये प्रैक्टिकली जहाँ जहाँ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, सबों के बारे में अलग अलग अपना व्यूज लोग रखते हैं। शराबबंदी के लिए ये सरकार पूर्णतः दृढ़ता के साथ ये चाहती है कि हमारे यहाँ शराबबंदी रहे, लेकिन जो परिस्थितियाँ होती जा रही है कहीं ना कहीं पैरेलल टू द गवर्नमेंट, इन लोगों का जिस ढंग से चल रहा है, तभी तो लोग को कह देते हैं कि कहीं ना कहीं बंदी का असर नहीं है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अपेक्षा पीपुल्स को है कि नहीं पूर्णतः शराबबंदी, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग सफल नहीं हो पाए। बस ये है कि हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे लोग शराब न पिए और साथ में किसी भी तरीके से बिहार में इन चीज़ों का कहीं से भी एंट्री नहीं हो। लेकिन जो परिस्थिति है पूरा यहाँ से पूरा हमारे यहाँ से लॉस कहाँ तक करता है, गौर करिए नॉर्थ ईस्ट पूरा चला जाता है, हर एक चीज़ कहाँ पर कहाँ से छिपा करके कहाँ ये लोग एक पैरेलल मार्केटिंग कर रहे हैं। लोग सरकार भी परेशान है और समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कहीं कोई अपनी फीलिंग को बोल दिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग। समीर महासेठ के बयान के बाद भाजपा ने भी नीतीश कुमार को घेरा है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि ये बात उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं, इससे ये स्पष्ट हो रहा है नीतीश सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। देखिए ये तो उनकी पार्टी के लोगों ने कहा है, उनके पार्टी के नेता लोगों ने कहा है, इससे स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो चुका है और नीतीश कुमार जी के शासन में बिहार नहीं चल सकता है। ये उनके पार्टी के लोग चैलेंज कर रहे हैं। सर आप दिल्ली गए थे, बैठक हुई है बीजेपी का, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ रणनीति? देखिए अभी हम लोग अब चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उसी की बैठक थी, क्योंकि पहले वर्चुअल बैठक हुई थी, अब फिजिकल बैठक हुई, अब तैयारी हम लोग कर रहे हैं। फिर दो चुनाव में हम लोगों ने पूरी तरह जो महागठबंधन था उसको प्रस्त किया था, आगे भी जो कुरनी का चुनाव है उसमें हम लोग जीत हासिल करें। देखिए कुरनी में जो सीट है वो जदयू के हिस्से खाते चली गई है, राजद दावा कर रही है कि जीत होगी। अब जिसके भी खाते में जाए उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के खाते में यदि गई तो और अच्छा है कि नीतीश कुमार तो अप्रासंगिक है, उनके पास कोई वोट नहीं है। वहीं शराबबंदी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि हम लोगों ने शराबबंदी पर शपथ ली है, सरकार का काम है इसे सख्ती से लागू करें। दिया है हम सभी लोग शराबबंदी के पक्ष में शपथ लिए हैं, प्रण लिए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इसको सख्ती से लागू किया जाए और माफिया तक जो उसके काट में कोई निकालते हैं कोई रास्ता उस पर भी सख्ती से वो सरकार विचारेगी, सरकार अपना इसमें विचार करेगी जो कहाँ, ये बात नहीं है सर, कोई अगर गड़बड़ी होती है तो सरकार को इस बात का नॉलेज होता है तो समय समय पर उसको। शराबबंदी को लेकर बिहार में हमेशा सवाल उठते रहे हैं, सरकार भी इसको लेकर नियमों में संशोधन करती रही है, फिर भी शराब पीने वाले और शराब माफिया नहीं बाज आ रहे हैं। सरकार को जरूरत है इस कानून को सख्ती से पालन कराने की, इसमें लोगों का साथ भी बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।